भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार को रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पंत कार से अपने घर की ओर जा रहे थे और हादसे के वक्त बिल्कुल अकेले थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। अमर उजाला की टीम से रुड़की एसपी देहात स्वप्निल किशोर ने बातचीत में घटना की पूरी जानकारी दी। ये सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की घटना रही होगी, जिस समय हम लोगों को सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली मंगलौर की पुलिस और मैं घटनास्थल पे पहुंचे। वहां सक्षम हॉस्पिटल जो मंगलौर रोड पर स्थित है, वहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा इनका उपचार किया गया। साथ ही तत्काल इनके घर पर चेतक भेजी गई जो इनके परिजनों को सूचना दे सके। तो इनकी माताजी को सिविल लाइन कोतवाली की पुलिस अपनी ही गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पर आई। यहां से उपचार के उपरांत उनको एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर देहरादून मैक्स हॉस्पिटल एडवांस एम्बुलेंस से भेजा गया। फायर की गाड़ी के द्वारा तत्काल वहां पहुंच के गाड़ी में लगी हुई आग को बुझाया भी गया और वहां से क्रेन की मदद से उस गाड़ी को मौके से हटा। पंत के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, उनकी पीठ में भी काफी चोट लगी है। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। एसएसपी हरिद्वार अजीत सिंह ने भी घटना की पूरी जानकारी विस्तार से दी है। देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फ़ोन किया गया। चूँकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिस पर लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीज़ों की जाँच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नए साल पर ऋषभ अपने घर जा रहे थे और झपकी लगने के कारण उनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।